नोटबंदी को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार जारी है। संसद का शीतकालीन सत्र भी इसी तकरार की भेंट चढ़ गया है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर नोट बैन पर संसद में बहस से भागने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर वो नोट बैन पर संसद में बयान देंगे तो भूकंप आ जाएगा। राहुल के इस बयान का बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा क्या है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं मगर लोकसभा में आने से डर रहे हैं। हाउस में है मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? हम क्या बोलेंगे? इतनी घबराहट क्यों है? पहले काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े, काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा। डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या, मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूं, एक महीने से तैयार हूं। सरकार कह रही है, सरकार ने कहा कि आज हम भाषण करने देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं, देखिए कुछ खराब नहीं किया है। सरकार ने हमें कहा कि भाषण होना चाहिए, हमने कहा करवाइए और फिर सरकार दौड़ गई वहां से। रियलिटी है, जो राष्ट्रपति जी ने कहा उस पे आप क्या कहेंगे राहुल जी? वो सब ठीक है, मैं हाउस के नहीं, वो सब ठीक है, मैं हाउस के अंदर डिमोनेटाइजेशन पे बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूँ, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूँ। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं, और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं, और मुझे रोका जा रहा है। 100% if they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. क्या वजह, क्या क्यों नहीं बोलने दे रहे? संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि जो पिछले 7 सालों से घोटाले के केंद्र में रहे वो आज भूकंप की बात कर रहे हैं। एक दूसरे ट्वीट में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि काले धन पर प्रहार से जिनको कपकपी आ जाती है वो भूकंप की बात ना ही करें तो अच्छा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राहुल पर चुटकी लेते हुए कहा कि उम्मीद है कि ये भूकंप तब आए जब हम संसद में मौजूद न हो। वेंकैया नायडू ने भी विपक्ष की नोटबंदी पर वोटिंग की मांग को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव तो 2014 लोकसभा चुनाव और टाइम मैगजीन में वोटिंग में साबित हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन एंड इज द डार्लिंग ऑफ द मासेस, द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी। व्हाटएवर टाइम्स मैगजीन माइट हैव डिक्लेयर्ड फॉर देयर ओन लोकल कंपल्शंस, बट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ओवरवेलमिंगली वोटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर मोदी। दैट्स व्हाई अनंत कुमार एंड दिस पीपल आर टॉकिंग इन द हाउस नाउ, दे आर सेइंग वोटिंग में होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट वोटिंग के साथ होना चाहिए। वोटिंग हो मालूम है सबको, नंबर आर फिक्स। वोटिंग हो गया 2014 में, लोगों ने मैंडेट दे दिया, वोटिंग हो गया बीच में मध्य प्रदेश में, असम में, अरुणाचल में, बंगाल में बाई इलेक्शन हुआ, लोगों ने मैंडेट दे दिया। वोटिंग हुआ महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में, लोगों ने मैंडेट दे दिया। वोटिंग हुआ गुजरात का लोकल बॉडी इलेक्शन में, लोगों ने मैंडेट दे दिया। वोटिंग हुआ राजस्थान के म्युनिसिपल इलेक्शन में, लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। वोटिंग हुआ बेंगलुरु इवन नगर पालिका बाई इलेक्शन में भी, लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। क्या है, मैं उसके साथ जोड़ता नहीं हूं मगर उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अभी वोटिंग हो गया टाइम्स मैगजीन में, इंटरनेशनल वोटिंग हो गया, नेशनल वोटिंग हो गया, लोकली वोटिंग हो गया, और क्या वोटिंग चाह रहे आपको? गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए थे, जिसके बाद से 16 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष और सरकार में तकरार जारी है। दोनों ही पक्ष, सत्ता और विपक्ष, अभी तक इस मामले पर संसद में बहस को अंजाम नहीं दे पाए हैं। इसी वजह से संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है।